बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप चीनी, ये भर के एक कप है। इसी कप से एक कप मैंने मैदा लिया है, 4 बड़े चम्मच दही, 1 पैकेट इनो, 4 इलायची, ऑरेंज फूड कलर और थोड़ा सा केसर। चाशनी बनाने के लिए चीनी को बॉल में डालेंगे और इसी कप से 1 कप पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 1 कप। एक बॉल में मैदा डालेंगे और दही डालेंगे, थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, थोड़ा सा इलायची का पाउडर डालेंगे और ये इनो डालेंगे। देखिए चीनी मेल्ट हो गया है, अब इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। ये देखिए हमने फूड कलर डाल दिया, चला लें इसे, इलायची का पाउडर डालेंगे। इसका बैटर तैयार करने के लिए हम 1 कप पानी लिए हैं, धीरे धीरे करके इसका बैटर तैयार करेंगे। देखिए इसका बैटर तैयार कर लिए हैं हम, इसका बैटर दम रिबन जैसा होना चाहिए। अब इसे 2 मिनट तक और फेंटेंगे। देखिए हमारा बैटर एकदम ऐसा होना चाहिए। देखिए चाशनी हमारा एकदम हो गया है, देखिए अब हम इसका गैस बंद कर देंगे। कढ़ाई मैंने बैठा लिया है। जलेबी बनाने के लिए हम 1 लोथिन लिए हैं, अब इसमें एक यहाँ पे छोटा सा होल करेंगे। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें तेल डालेंगे। गर्म हो गया है, अब हम इसमें जलेबी डालेंगे। ये देखिए हमारा जलेबी, ये देखिए। अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी पसंद करते हैं तो थोड़ा सा और फ्राई कर लें। ये देखिए हमारा जलेबी हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब इसे हम चाशनी में डालेंगे। एक मिनट तक चाशनी में छोड़ें और इसे निकाल ले बाहर। ये देखिए हमारा जलेबी कितना मस्त बना है। एक बार और हम दिखाते हैं। ये देखिए हमारा जलेबी, इसे थोड़ा सा फ्राई कर लें। ये देखिए हमारा जलेबी हो गया है, गैस बंद कर देंगे। इसे चाशनी में डाल के मिक्स करेंगे। देखिए चाशनी से हम निकाल लिए, अब इसे सर्विंग बॉल में रखेंगे। ये देखिए हमने सर्विंग बॉल में निकाल लिया है, एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए कितना जूसी बना है, देख रहे हैं। ये देखिए हमारा जलेबी, इसे तोड़ देती हूँ। देखिए देखिए कितना जूसी बना है जलेबी हमारा। अगर मेरा रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।